हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एचएफसीएल लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर कल के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां पर स्टॉक लगभग 4% की करेक्शन दिखा चुका था। आज के दिन स्टॉक के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कल के दिन गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो भारतीय बाजार में गिरावट, और भारतीय बाजार में गिरावट इसलिए था क्योंकि ग्लोबल मार्केट जापान और यूएस के मार्केट में फ्राइडे को भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और उसे देखकर भारतीय बाजार ने कल असर दिखाया और वहां पर एक बड़ी मात्रा में मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 600 अंकों की गिरावट देखने को मिली, पर आज के दिन जिस तरह जापान के बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली, सेम भारतीय बाजार में सुबह के टाइम में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, पर धीरे धीरे स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अभी हम करंट लेवल की बात करें तो निफ्टी 50 में बस 30 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम मॉर्निंग में देखें तो लगभग 250 से 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही थी। अब लगातार ऊपरी लेवल पर एक दबाव आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज के दिन लिक्विडिटी 1,94,43,000 देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो लिक्विडिटी की मात्रा काफी अच्छी है, क्योंकि हम इस स्टॉक के अंदर देखते हैं तो लिक्विडिटी की मात्रा हरदम बड़ी ही देखने को मिलती है। जहां पर आज के दिन स्टॉक ओपन होता है 126 रुपए पर, वहीं पर करंट लेवल पर ट्रेड कर रहेगा, जबकि स्टॉक ने ओपन यानी सॉरी हाई लगाया था 129 रुपए 80 पैसे का। अपने हाई से स्टॉक ऑलरेडी 3 रुपए की करेक्शन दिखा चुका है। स्टॉक के अंदर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 3% की करेक्शन देखने को मिली है, एक महीने में 3.5%, परंतु 3 महीने में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, जहां पर 25% की ग्रोथ आता हुआ नजर आया, 6 महीने में 28% और 1 साल के अंदर 92% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से बाय किया था उन्हें तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु पीछे के एक सप्ताह से अभी से स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक 3 पार्ट्स में डिवाइड हैगा, जहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब बनती है जब स्टॉक 133 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता हैगा। अब इस स्टॉक ने जैसे इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया, ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिला। अब इस स्टॉक का जो नीचे में एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है वो 122 रुपए पर है, जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक में अब नीचे में एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। स्टॉक अगर इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक का फिर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर स्टॉक का जो S2 है यानी दूसरा सपोर्ट लेवल वो 110 रुपए पर बन जाएगा, जहां पर पहले भी स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक वन वे तेजी दिखाई थी। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में 122 रुपए का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के टारगेट अराउंड 135 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट जब ही देखने को मिलेगी जब स्टॉक नीचे में 122 रुपए के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।